हेलो फ्रेंड्स, क्या आप ये दो शब्द को समझना चाहते हैं? पहला कन्वर्सेशन एंड दूसरा डिस्कशन, ये दोनों के बीच में क्या मतलब है या दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. ओके, सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. फ्रेंड्स, सबसे पहला डिस्कस करते हैं कन्वर्सेशन क्या है. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है कि कन्वर्सेशन होता है इनफॉर्मल. ओके, दूसरा पॉइंट है कि ये दो लोगों के बीच में भी हो सकता है या दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है, राइट? तीसरा पॉइंट है कन्वर्सेशन का कि उसमें बेसिकली कन्वर्सेशन हम करते क्यों हैं. नॉर्मली हम कन्वर्सेशन करते हैं ऐसे ही, यू नो, जस्ट टू एक्सचेंज आइडियाज. किसी का हमने, यू नो, किसी के साथ ऐसे ही बात करी तो थोड़े बहुत अपने थॉट्स को शेयर किया उन लोगों के साथ या उनके थॉट्स को हमने जाना, ऐसे ही जो भी हमने बातें करी. और नॉर्मली हम करते हैं नेटवर्किंग करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए. ऐसे ही कहीं बैठे हैं शादी में या कोई फंक्शन में, किसी के घर पर बैठने के लिए गए, तो हम जो भी बातें करते हैं नॉर्मली, जिसका कोई स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस नहीं होती कि इसी तरीके से बातें करनी है, इसी टॉपिक पर बातें करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल इनफॉर्मल होता है, राइट? तो उसको हम कन्वर्सेशन कहते हैं. देखो, ये कन्वर्सेशन करने के पीछे का जो इंटेंशन होता है, जो इरादा, वो बेसिकली इन अ वे कोई भी नहीं होता. इरादा नॉर्मली आप अगर मानना है तो आप ये मान सकते हो कि, यू नो, हमें किसी के साथ बात करनी है, हमें नेटवर्किंग करना है, किसी के साथ, यू नो, रिलेशन बिल्डअप करना है, सोशल अपना एक टाइज क्रिएट करनी है लोगों के साथ, तो फिर हम यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन इस तरीके के बातों को बेसिकली. सो इनफॉर्मल होता है, दो लोगों के बीच में भी हो सकता है. फ्रेंड्स आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, वो भी कन्वर्सेशन है. हम किसी फंक्शन में जाते हैं और कई सारे लोगों के बीच में बैठ के जो हम बातें करते हैं, इसको भी कन्वर्सेशन ही बोलते हैं. और जैसे मैंने बोला कि वो नॉर्मली होता है ऐसे ही अपना सोशलाइजिंग करने के लिए, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, जिसका कोई लक्ष्य, कोई ऐसा नहीं होता कि इससे ये कन्वर्सेशन करके मुझे कुछ हासिल करना है. बेसिकली कोई स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन नहीं होती, इनफॉर्मल होता है बेसिकली. और कन्वर्सेशन का कोई इंटेंशन नहीं होता कि ये कन्वर्सेशन करने के बाद मुझे ये हासिल करना है या मुझे ये अचीव करना है या ये रिजल्ट लाना है या कुछ मुझे कंक्लूड करना है. क्लियर? सो उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन. अभी दूसरा है डिस्कशन. डिस्कशन किसको कहते हैं? तो देखो, डिस्कशन भी इनफॉर्मल ही वैसे तो होती है, फॉर्मल भी हो सकती है. इनफॉर्मल एंड फॉर्मल के बीच में जो डिफरेंस है वो सिंपल इतना है कि जो फॉर्मल डिस्कशंस होते हैं या यू नो जो भी डिबेट्स या जो भी लोग करते हैं, फॉर्मल का मतलब ये कि उसमें सभी कुछ स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस होती है, उसमें थोड़ी पैसिव टॉक होती है, यू नो, इसके अंदर हम कुछ यू नो बहुत क्लोज या ऐसी कोई बातें नहीं कर सकते. उसमें बहुत समझ के साथ अपने शब्द को यूज़ करना पड़ता है, चाहे वो लिखना है या चाहे वो बोलना है, कुछ भी ड्राफ्ट करना है, जो भी चीज़ें हमें एक स्ट्रक्चर या गाइडलाइन के मुताबिक अगर करनी है, उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, तो उसको बोलते हैं काइंड ऑफ फॉर्मल डिस्कशन. इनफॉर्मल का मतलब ये है कि आप जो चाहो अपने अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट? सो इसको बोलते हैं काइंड ऑफ इनफॉर्मल. सो पहली बात, डिस्कशन इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है. अच्छा, डिस्कशन वो भी दो लोगों के बीच में हो सकता है या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है. लाइक कन्वर्सेशन, आप दो लोगों के साथ आमने सामने बैठ के करो या कई सारे लोगों के साथ करो, डिस्कशन हो सकता है. अभी जो मेन डिफरेंस वो क्या है कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन के बीच में, जैसे मैंने बोला कि कन्वर्सेशन में कोई आपका एम नहीं होता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन मैं ये चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ या चाहता हूँ, राइट? डिस्कशन में ये होता है. नॉर्मली एक टॉपिक होता है या कोई मैटर होती है जिस पर हमें डिस्कशन करना है, जिसमें जितने भी लोग उसमें शामिल है वो अपने व्यूज़ रखेंगे, अपने थॉट्स, अपने कोई एविडेंसेस रखेंगे. बेसिकली डिस्कशन जो होता है कंस्ट्रक्टिव होता है, कि जिसका सब लोगों का एक इरादा होता है कि ये डिस्कशन करने के बाद हम सब लोग जो टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं या जो मैटर पर हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर कुछ कंक्लूड करें, उसका कुछ उस पर कुछ रिजल्ट पे पहुँचे, कुछ ऐसी चीज़ हम आज एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम ऐसी चीज़ पर पहुँचे कि जहाँ हम सब लोग उसको आगे ले जा सके. बेसिकली जो भी मैटर, जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ है उसमें सब लोग अपने थॉट्स डालते हैं, अपने एविडेंस, अपनी सोच, अपनी बातें रखते हैं सामने. उसमें आप एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली उसका मेन जो एम होता है डिस्कशन का, वो ये होता है कि उसका जो आउटकम हो, जो उसका रिजल्ट हो, वो सबके लिए अच्छा हो. लेकिन बेसिकली उसके एक टॉपिक पे होता है, एक मैटर पे होता है. जैसे कन्वर्सेशन है वो कोई भी चीज़ पे हो सकता है, यानी आप कुछ भी बातें करो किसी के साथ, उसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन में ये फ़र्क है. डिस्कशन में इंटेंशन होता है कि कुछ कंक्लूजन निकले, कुछ रिजल्ट निकले. कन्वर्सेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, राइट? सो ये डिफरेंस हुआ कन्वर्सेशन के बीच में और जो दूसरा मैंने समझाया डिस्कशन के बीच में. ओके, आर यू क्लियर?
अगर आप कुछ और जानना चाहते हो कोई और टॉपिक के बारे में, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और टॉपिक पे कोई वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स डालना। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये किसी को शायद हेल्पफुल हो सके, सो प्लीज़ शेयर करना। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ वीडियोस, मैं ऑब्वियसली ऐसे नए नए वीडियोस पे मैं बातें करता रहूँगा एज एंड व्हेन आई कैन, तो अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ अच्छी बातें आपको जानने से कुछ फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।